प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते वर्ष काला धन वापस अपने देश में लाने के निर्णय को लेकर नोटबंदी के आदेश दिए थे। फिर शुरू हुआ डिजिटल इंडिया के नाम से कैशलेस का कार्यक्रम, कार्यक्रम में जो सिर्फ कुछ ही व्यापारियों पर लागू होता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो आम जनता बोल रही है। जी हाँ, हम बात करें शहर के डॉक्टरों की, जिनके यहाँ इस सुविधा का पता ही नहीं है। अगर किसी भी मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कराया जाए तो पहले डॉक्टर साहब बोलते हैं कि पहले काउंटर पर पैसा जमा कराओ, वो भी नकद। अगर किसी मरीज के पास नकद रुपया नहीं है तो वो मरीज को देखना भी पसंद नहीं करते, चाहे मरीज की जिंदगी का सवाल, लेकिन उनको तो पहले रुपयों से मतलब होता है। आज इसी समस्या को पब्लिक टीवी ने उठाया है और इसका सुझाव भी मांगा, तो मुरादाबाद के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम से इन्होंने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। सर, प्रधानमंत्री द्वारा कैशलेस को लेकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, और सर लेकिन मुरादाबाद में जो डॉक्टर्स हैं कहते हैं कि पहले अपने कैश जमा करो, उसके बाद में ही मरीज का इलाज होगा, चाहे उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, न कि मरीज की जान से। तो सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे डॉक्टरों के बारे में आप? देखिए, चीज़ तो बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है और ये विजन बहुत आगे तक लेके जाएगा। कैशलेस में तो यही है कि प्लास्टिक कार्ड के थ्रू स्वैपिंग हो और पेमेंट हो। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये समझता हूँ कि जो हमारे इंडिविजुअल क्लिनिक्स हैं, जो डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं, उन्होंने इसका कल्चर इसलिए बना रखा है कि कहीं प्रॉपर ऑडिट ना हो जाए, अदरवाइज तो इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। अगर कैशलेस की बात हम करें और इंडिविजुअल पेशेंट का जो ओपीडी स्लिप के लिए उसकी फीस है, क्योंकि हर एक डॉक्टर की अलग अलग फीस होती है, तो वो उसको स्वैप करे कार्ड को और कार्ड पेमेंट के थ्रू उसका पेमेंट बैंक में चला जाए। लेकिन इसमें ये होगा कि हर पेशेंट की अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, और मुझे लगता नहीं कि बहुत से लोग ये चाहते होंगे कि उनके आमद की या जो भी पैसा आ रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो या उसकी ऑडिटिंग हो या वो ऑन पेपर है। लेकिन अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देखें मेट्रो सिटीज में, तो वहाँ तो लगभग सबके यहाँ ये कैशलेस सिस्टम शुरू हो गया है और स्वैप मशीन्स होती हैं और वो लोग उसमें स्वैप मशीन के थ्रू कार्ड को स्वैप करते हैं और ई मनी ट्रांसफरिंग होने लगी। तो इन जहाँ तक इन चीज इसकी बात है, तो मैं आपकी जो ये आपने एक मसौदा तैयार किया, एक सुझाव दिया है, इस मैटर को IMA से रिक्वेस्ट करूँगा, IMA की मीटिंग में रख पाऊँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तक संभव हो ये पेटीएम या स्वैप मशीन या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू करें, जिससे आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री की जो ड्रीम योजना है कि धीमे धीमे कैश ट्रांजेक्शन्स को ख़त्म करना और इसमें ई बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में आगे आना, तो इसको बल मिलेगा और ये चीज़ स्ट्रेंथन भी होगी और करप्शन भी इससे कम। सर, कई कई डॉक्टरों के यहाँ देखा जाता है कि अगर मरीज एक्सीडेंट के केस में गया है तो पहले वो कहते हैं कि पहले पैसा जमा कराओ, नंबर लगाओ, उसके बाद में ही आपका ट्रीटमेंट होगा। देखिए, जहाँ तक ये बात है तो ये प्योरली असंवैधानिक है, अमानवीय है, असंवेदनशील है। मैं इस मैटर को बहुत गंभीरता से लेते हुए IMA को लिखूंगा कि जहाँ तक एक्सीडेंटल ट्रॉमा केसेस की बात है तो प्राथमिकता इलाज को दें, पैसा तो जमा हो ही जाएगा। पैसे के लिए डॉक्टर इसलिए बॉदर करते हैं कि उनके कंज्यूमेबल्स लग रहे हैं, उनका स्टाफ लगा हुआ है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पैरेलली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पेशेंट्स हेल्थ। तो मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए और आज ही एक मेल लिखूंगा IMA को और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बात भी करूंगा कि अपने सभी साथियों को बोल दें, स्पेशली जो ऑर्थोपेडिशियंस हैं जहाँ इस तरीके केसेज आते हैं, या सर्जन्स हैं या हार्ट केसेज में फिजिशियंस हैं, या एनी केस एनी डॉक्टर जहां पर इमरजेंसी आ रही है, जो इमरजेंसी इन डेंजर इनकाउंटर करता है, वहां पर प्राथमिकता मरीज के इलाज को दी जाए, ना कि पैसे को, और इसके अभाव में किसी मरीज की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।